माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सीमा मित्रा, वेलकम। आज है मेरे ब्लॉग का 11th डे। तो अभी सुबह के 6:30 हो गए। फ्रेंड्स, मैं 4 बजे उठ गई थी। उसके बाद मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन किया, जैसे एक्सरसाइज, योगा एंड क्लीनिंग वगैरह कर ली है। तो अभी मैं आई हूँ पौधों को पानी देने और कबूतरों को दाना देने। तो चलिए, अभी मेरे साथ थोड़ा ठंडी हवा का मज़ा ले लीजिए। आज मौसम बहुत ही सुहावना है। लवली मौसम। ये देखिए, घर के बैक साइड में लगा हुआ है आम का पेड़, अमरूद का पेड़। देश का झंडा ऊंचा रहे हमारा। फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट टाइम हो गया है, तो अब मैं खाने जा रही हूँ मेथी की परांठी, देसी घी में बनाई हुई और साथ में दही। बहुत ही टेस्टी, स्वादिष्ट होती है। तो मिलती हूँ मैं आपको ब्रेकफास्ट के बाद। सी ब्यूटीफुल टेक्सचर, ब्यूटीफुल टेस्ट, वेरी डिलीशियस। हेलो फ्रेंड्स, मिर्च का पेस्ट 1 चम्मच, अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, 3-4 कलियां लहसुन की, 1 कटोरी टमाटर, 1 कटोरी आलू और 1 कटोरी कसूरी मेथी। इसको मैंने धो के निचोड़ के रख लिया है। तो अब हम करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट कुक विद सीमा मिठी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने हांडी में 1 कड़छी तेल ले लिया है, सरसों का तेल। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट 1 चम्मच, अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। इसको हम थोड़ा मिक्स करेंगे, इसको हम थोड़ा सा सॉटे करेंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें आलू, मिक्स कर लेंगे अच्छे से, मिक्स इट वेल। इसके बाद आती है बारी मसालों की। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच सौंफ पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और नमक स्वादानुसार। अब अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक, इतना अच्छा कलर आया है। अब हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी, जो कि मैंने धुली मेथी, जो कि मैंने धो के रख ली थी। लो फ्लेम पे इसको हमने बनाना है, क्योंकि हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो ये कड़वी हो जाएगी। डालेंगे 1 कटोरी टमाटर और इसको मिक्स करेंगे। और अब इसमें थोड़ा कम पानी डालेंगे, लिटल बिट ऑफ वाटर एंड मिक्स इट वेल। एंड आफ्टर दैट कवर इट विद प्लेट। इसको हम 10 मिनट्स पकाएंगे और 10 मिनट्स पकने के बाद ये हमारा आलू मेथी का जो सब्जी है वो हमारी रेडी हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, हमारी आलू मेथी की सब्जी रेडी है। ये देखिए कितनी अच्छी टेस्टी लग रही है आलू की सब्जी। तो फ्रेंड्स, हमारी आलू मेथी रेडी है। आलू मेथी की प्लेटिंग मैंने कर दी है। ये देखिए, छोटी सी चपाती बनाई है मैंने आलू मेथी के साथ, आलू मेथी की सब्जी, कप ऑफ टी, वेरी टेस्टी टेस्टी। सी ब्यूटीफुल टेक्सचर, ब्यूटीफुल टेस्ट, वेरी डिलीशियस। फ्रेंड्स, अब मैं इसका टेस्ट करने जा रही हूँ। वेरी टेस्टी एंड लाजवाब। फ्रेंड्स, आज मैंने ब्रेकफास्ट में आलू मेथी की सब्जी बनाई है और लंच में मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल। और ये मैं थोड़े डिफरेंट तरीके से बनाने जा रही हूँ, डिफरेंट स्टाइल से। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मूंग दाल 1 कटोरी, अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च पेस्ट 1 कटोरी छोटे छोटे पीसेस में, प्याज कटा हुआ 1 कटोरी, लहसुन 4-5 कलियां लहसुन की कटी हुई 1 कटोरी, टमाटर, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला, नमक, मेथी, कसूरी मेथी, ज़ीरा और सौंफ पाउडर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मूंग दाल बनाना। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, डिफरेंट मूंग दाल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कुकर में 1 कड़छी तेल ले लिया है सरसों का, और इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी कसूरी मेथी। इसमें हम डाल देंगे प्याज कटा हुआ, अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, कर लिया 4-5, और हरी मिर्च
सबको हमने मिक्स कर लेना है, सॉटे कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी टमाटर। तो फ्रेंड्स अब आ रही है मसालों की, तो इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, आधा चम्मच सौंफ पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच गरम मसाला। ये मैंने कल जो साबुत मसालों को पीस के लिए मैंने पीसा मसाला बनाया था, और नमक स्वादानुसार। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर दिया हमने। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे पानी ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, मैंने इसको आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। तो अब हम इसमें डालेंगे मूंग दाल। एक कटोरी मूंग दाल ले ली हमने, और इसमें हमने जो है 5 कटोरी पानी मिलाना है। तो इसमें मैंने 1 कटोरी पानी डाला है और 4 कटोरी पानी और डालने जा रही हूँ। इंतजार करना है, उसके बाद मैंने जो दाल है, इस दाल में मैंने जो तड़का है वो पहले लगा लिया है, और दाल और पानी जो बाद में डाला है। तो इसमें हमें 2 से 3 सीटियाँ एक्स्ट्रा बजानी है, ऐसे हमें 2 से 3 सीटियों में ही दाल बन जाती है। तो 2 से 3 सीटियाँ और बजाएंगी ताकि जो दाल वो चल जाए और अच्छे से हमारी स्वादिष्ट लाजवाब दाल रेडी हो जाए। फ्रेंड्स हमारी मूंग दाल रेडी है, टेस्टी टेस्टी। इसमें मैंने डाला है आधा चम्मच देसी घी कटोरी में, देसी घी जो है वो खाते टाइम डालना चाहिए दाल से, दाल में ऊपर से खाते टाइम आधा चम्मच देसी घी डालेंगे तो बहुत ही अच्छा हेल्दी होगा वो। और इसके साथ ले लिए चपाती, राइस के साथ भी हम इसको खा सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है दाल चावल, इसके ऊपर देसी घी डाला है। मूंग दाल में और राजमा की दाल में देसी घी डालने से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हो जाता है। तो मैं मिलती हूँ आपको लंच के बाद। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। चिकन पकौड़े वेरी टेस्टी एंड स्पाइसी।